जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों DSSSB में, यानी कि दिल्ली में ये भर्ती निकली है टीचरों की। एक तो कौन सा है टीचर तुम्हारा? असिस्टेंट टीचर नर्सरी। जी हाँ साथियों, जिसको हम अध्यापक सहायक बोल सकते हैं, पहली से पांचवी वाले वो हैं। अच्छा जी, और दूसरे हैं PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि लेक्चरर जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड। ये TGT PGT जो है ये भर्ती है, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसको मैं आपको अच्छे से सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। और अच्छे खासे पद हैं साथियों, इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती के बारे में हम जानकारी देते हैं। DSSSB नई भर्ती 2024, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसमें महिला और पुरुष ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सब दिल्ली की भर्ती है तो दिल्ली वाले ही भरेंगे ना, सारा भर दो ठोक कर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत के कोई भी नागरिक फॉर्म लगा सकता है, बस योग्यता होनी चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि दिल्ली की भर्ती है तो वो तो हमारी राजधानी है भाई, और राजधानी में कोई भर्ती निकलेगी तो हम फॉर्म जरूर लगाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हो? अपने को फुल परमिशन है इसकी, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आप भारत के हो तो कर दो भाई, पाकिस्तान के हो तो मत करना। हाँ, अब देखो, ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी से शुरू होंगे, लास्ट डेट है 7 फरवरी। अभी जनवरी 9 जनवरी से शुरू होंगे, अभी शुरू नहीं है। 9 जनवरी 2024, 7 फरवरी 2024, ठीक है साथियों। जैसे ही 9 जनवरी को आवेदन शुरू होंगे तो इसका और भी फुल डिटेल से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखो फटाफट, फॉरम फीस 100 रुपये लगेगी। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। पदनाम विभाग में कौन से में निकली है, कितने कितने पदों पे भर्ती है, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। अब देखो साहब, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, यानी कि अध्यापक सहायक नर्सरी, इसके देखो कितने क्या पद हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी महिला, इसमें स्पेशल महिला भर सकती हैं। विभाग है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। 1261 पदों पे ये वैकेंसी है साथियों, 1261 पदों पे ये महिला डिपार्टमेंट की है, ऐसे मान लो तुम। इसमें केवल महिलाएं फॉर्म लगा सकती हैं। ये है असिस्टेंट टीचर नर्सरी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, इस विभाग में है जो 1261 पद हैं जिसमें लगा सकती है केवल महिलाएं फॉर्म। ठीक है साहब, अगला है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जिसमें पुरुष भी भर सकते हैं। ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, 120 पदों पे ये भर्ती है साथियों इस विभाग में, इसमें महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। फिर एक और है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसमें भी महिला और पुरुष दोनों फॉर्म लगा सकते हैं, 74 पदों पे ये भर्ती है साहब। तो ये भर्ती अलग हो गई, और PGT वाली है वो अलग है साहब, ठीक है मेरी बात। हाँ, ये भर्ती अलग है और ये PGT वाली अलग है, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? ये तुम्हारी प्राइमरी टीचर वाली है, ये नर्सरी वाली है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास और प्लस में 2 साल का वो कोर्स होता है ना तुम्हारा, DLED बोलो, चाहे BSTC बोलो, STC बोलो, वो वाला कोर्स होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और उसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसमें नहीं दे रखी है योग्यता, ये तो शॉर्ट नोटिस आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से आपको योग्यता कि टीचर बनने के लिए अपने पास ये जरूरी है। अगर आप नर्सरी 5वीं तक के टीचर बनते हो तो BSTC वगैरह DLED होती है वो होनी चाहिए, ठीक है साहब। और अगर आप केंद्र की भर्ती देखते हो तो CTET जरूरी है साथियों, सभी को पता है CTET जरूरी होता है, ये एक टेस्ट होता है। CTET का मतलब क्या होता है आपको पता है? समझ रहे हो ना? CTET का मतलब
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र की भर्तियों को देखने के लिए अपने को सीटेट का प्रमाण पत्र चाहिए, जो हर शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य होता है। अगर आप राज्य में देखते हो, जैसे मान लो राजस्थान में आप फॉर्म भरते हो, तो फिर आपको क्या देना पड़ता है, आरटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीईटी वगैरह ये बोलते हैं, रीट पात्रता परीक्षा बोलते हैं, वो होते हैं। ऐसे यहाँ सीटेट फॉर्म पास करना पड़ता है, तब फिर आप किसी भी केंद्र की भर्ती में भाग ले सकते हैं, अपने राज्य को छोड़ करके किसी भी केंद्र पे किसी भी भर्ती में आप भाग ले सकते हैं, सीटेट हो तो। आपको सीटेट के फॉर्म चलते रहते हैं, आप दे दिया करो अगर आपको करना है तो। अच्छा जी, अगला पद कौन सा है पीजीटी में, अगला पीजीटी में है 297 पद हैं पीजीटी के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी ये भर्ती निकली है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 297 पदों पे है। योग्यता आप सभी को पता है भैया, बीएड होना चाहिए और पीजी भी होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस में सीटेट भी जरूरी है, क्योंकि सीटेट के बगैर आप केंद्र की कोई भी मास्टर मैडमों की भर्ती नहीं देख सकते हो। इस बात को गांठ बांध लेना साहब, तभी तो देते हैं सीटेट का पेपर, कि भाई अपने राज्य में तो फॉर्म भरे ही भरे, दूसरी कोई और निकल जाए केंद्र में तो भी भर दें सीटेट को फॉर्म, तब तो देंगे। समझ गया मेरी बात? हाँ साहब, सीटेट अगर आपने नहीं दिया है तो आप दे दिया करो, कभी भी निकलते ही रहते हैं ये, तो देख लिया करो, हाँ भाई सीटेट का चल रहा है, लगा दिया करो फॉर्म, परीक्षा दे दिया करो, फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, फिर आप केंद्र में कोई भी मास्टरों की भर्ती निकलती है, कोई भी अध्यापक भर्ती निकलती है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज भर्ती है, पीजीटी का मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड, तो फर्स्ट ग्रेड में तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, तो कौन कौन से सब्जेक्टों की भर्तियां हैं वो भी देख लीजिए आप। हिंदी की भी है वैकेंसी, मैथ वाले भर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये पद हैं खाली, इन पदों पर भर्ती निकलने वाली है। नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बांसु रोजगार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें इसका आराम से पढ़ लेना, नोटिफिकेशन है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, शिक्षक भर्ती निकली हुई है डीएसएसबी में, आप आवेदन कर सकते हैं साथियों, आवेदन 9 जनवरी से शुरू होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।